तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे चितकुल में रुके हुए थे और ये है हमारा रूम। ये चितकुल में हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं चारों। और जस्ट बाहर निकलते ही फ्रेंड्स, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, ये बालकनी। और यहाँ से बाहर, रूम के बाहर बालकनी में आते ही यहाँ पे गाड़ी खड़ी है मेरी, एंड जस्ट हैव अ लुक, इट्स अमेजिंग। ये यहाँ खड़ी है हमारी कार, एंड अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। ओह माय गॉड, विनीत, यू आर हैप्पी? अब फटाफट, अब हम लोग उठ गए हैं, अब जल्दी से रेडी होना है एंड आगे रिकॉम पीओ के लिए निकलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऑन द रोड। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और ये देखिए, इससे बढ़िया क्या नज़ारा हो सकता है। यहाँ पे पूरी पहाड़ के ऊपर ये बर्फ, और साथ में बह रही है नदी। सो अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। और ठंड तो इतनी है क्योंकि आपने देखा बर्फ है। और ये हमारे फ्रेंड्स हैवी साइन विनीत, और क्लोज सी दिस वन, कंप्लीट आइस। और यहाँ पे एक रिसोर्ट है, जास कैसल, चितकुल कैफे। सो हम लोग रिवर साइड आ रहे हैं। अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। ऐसा कि मतलब मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वही काम है। ये देखिए, ये नदी यहाँ से बह रही है। इस गेट से हम लोग होते हुए नीचे नदी की तरफ जाएंगे। What a beautiful scene! ये कलकल बहती नदी और ये ऊपर बर्फ का पहाड़। बहुत ही अद्भुत नजारा। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करता है। स
ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा ठहरिए, तो ये ढाबा है आखिरी ढाबा। ओके ये है देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट लेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे अपने होटल, देन विल चेक आउट एंड विल मूव टू रिकॉन्ग पीओ। तो चलिए फटाफट से यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड फिर चलते हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग चितकुल से निकल चुके हैं, सारे लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके, मौसम भी बहुत क्लियर है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, क्योंकि कल रात तो हमें आने में रात हो गया था। ये देखिए ये सारे आइस है। एक चीज मैं कहूँगा कि अपने लाइफ में कम से कम एक बार तो आना चाहिए, लाइफ में कम से कम एक बार जरूर प्रयास करें। वेरी गुड प्लेस, अभी गाड़ी थोड़ी देर दो मिनट के लिए रोके हैं एंड देयर इज सम मैजिकल प्लेस। यहाँ पे इतनी हवा चल रही है ना इस पर्टिकुलर एक प्लेस पे, सो वी हैव स्टॉप द कार हियर, थोड़ा सा पिक्चर वगैरह ले रहे हैं एंड देन वी विल मूव। तो इस तरफ सांगला है, ये सांगला का रोड है, हम लोग सांगला जा रहे हैं। अभी सांगला 5 किलोमीटर है एंड देन वहाँ से हम लोग फिर कल्पा के लिए निकलेंगे। अभी जेटा दिस इज सांगला, सांगला। अब हम लोग पहुँचे हैं सांगला और फिर अभी जा रहे हैं कल्पा की तरफ और फिर रिकॉन्ग पीओ एंड देन विल मूव टू काजा। ये देखिए एप्पल गार्डन, इस साइड में एप्पल्स अभी नहीं होंगे, अभी तो छोटे छोटे फूल हो रहे हैं, सितंबर के महीने में एप्पल्स आएंगे इसमें। ये भी चेटा। अब हम लोग पहुंचे हैं कल्पा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, वहाँ पे पहुंचे हैं और यहाँ पे एक मंदिर देखिए, ये है मंदिर, यहाँ का लोकल मंदिर है पैगोडा स्टाइल। कैसे आंटी हम लोग को बता दीजिए, हमें पता नहीं है। आप एक बार बता दीजिए ना कैसे। वेट स्लो। यू डू साइन का, यू डू आई एम टेकिंग इन वीडियो। वाह। नाउ यू कैच द वीडियो, आई विल डू कैच द वीडियो, कीप इट कंटिन्यूड। ओके रेडी। कल्पा में जो मंदिर है उसमें हम लोग आए हैं और ये यहाँ का एक लोकल मंदिर है, बस और कुछ नहीं, एक पॉइंट है, यहाँ पे जरूर आइए। से निकल के और टाबो के लिए जा रहे हैं, फिर देखते हैं जहाँ भी होम स्टे वगैरह मिलेगा, नाको में मिले या टाबो में मिले, वी विल स्टे देयर। हम लोग वहीं रुक जाएंगे आज रात को। टाबो का जो डिस्टेंस बता रहा है वो है 161 किलोमीटर। हाँ 161 किलोमीटर, 4 आवर्स
करीब बता रहा है। वैसे तो हम लोगों ने प्लान किया था काजा जाने का, लेकिन रात हो गया है तो हम लोग टाबो में रुक रहे हैं। और अभी जस्ट टाबो जो है वो 11 किलोमीटर और है टाबो, तो टाबो में हम लोग आज होम स्टे लेकर के स्टे करेंगे और कल सुबह पूरा काजा कंप्लीट करके रिटर्न चलेंगे। तो यही हमारा प्लान है, देखिए आगे कैसे कैसे वर्कआउट होता है, डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट्स ऑल्सो, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो वैसे तो हम लोगों ने सोचा था रात में कोई जर्नी नहीं करेंगे, सो देखते हैं कहां तक क्या होता है। अगर कुछ कल नहीं कवर हो पाया तो कल काजा में रुक जाएंगे। सो व्हाट एवर द प्लान इज आई विल अपडेट। ये देखिए ये रात का सफर में भी हम लोग कर रहे हैं, बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, सो वेरी नैरो लेंस। यहाँ पे बिल्कुल रोड टूटा हुआ था और हमें लगा जैसे कि रोड ही नहीं है, लेकिन फिर हमने धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमें ये रोड मिल गया। ये 8 किलोमीटर पहले ऐसा रास्ता पड़ा। तो कल काजा जाते हुए काफी रात हो गया था, 8 बज गए थे, 8 बजे रात हो गई। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि टाबो में ही जर्नी को ब्रेक करेंगे, तो टाबो में रुके हैं हम लोग। टाबो में रात हम लोगों ने बिताया एक होम स्टे लेकर के, और अब सुबह सुबह अब हम लोग काजा के लिए रवाना हो रहे हैं। ये है टाबो सिटी, देखिए आप लोग। ये मेरे सारे साथी लोग जा रहे हैं, और यहाँ भी देख सकते हैं आइस, ये देखिए पूरा टाबो का नजारा। थ्री सिक्सटी डिग्री और मेरे दोस्त लोग बस स्टैंड टावो के पास फोटो खिंचा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी आइस है, ये दिस वन, यहाँ भी आइस है उस पहाड़ पे। हम लोग जो होम स्टे लिए हैं वो वहाँ आगे है, वहाँ पे हम लोग जस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, एंड देन वी विल बी रेडी फॉर काजा। बाकी आगे अपडेट करता हूँ आप लोगों को। यहाँ का एक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, दिस वन राजकीय विद्यालय, समथिंग रिटन, ये वाला स्कूल है टाबो में।
और इधर हॉस्टल है। ये कंप्लीट ताबो का नजारा। ताबो में एक न्यू मोनेस्ट्री और एक ओल्ड मोनेस्ट्री, दो मोनेस्ट्री है। तो अभी हम न्यू मोनेस्ट्री पे हैं और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मोनेस्ट्री है। और यहाँ पे ये जो ये आप देख रहे हैं ये सारा, ये घुमाते हैं इसको सारा, यहाँ से घुमाते हुए इस तरफ से घुमाते हुए यहाँ तक घुमाते हैं इसको। तो ये न्यू मोनेस्ट्री है टाबो में। तो अभी हम लोग वहीं पे हैं, रुकिए और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये है न्यू मोनेस्ट्री टाबो मुत्तम। आपने जो पहले देखा था वो था न्यू मोनेस्ट्री और ये एक है टाबो मोनेस्ट्री, दैट इज ओल्ड मोनेस्ट्री। तो ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। वाह, घंटी बजा दो बेटा। हाँ, ओल्ड मोनेस्ट्री। अब हम लोग टाबो से काजा के लिए निकल चुके हैं एंड अभी ये टाबो ब्रिज क्रॉस करेंगे। जैसे ही टाबो से निकले हैं तो ये टाबो ब्रिज है, लोहा का ब्रिज है, और अब इसको क्रॉस करते हुए अब हम लोग काजा की तरफ निकल रहे हैं। ये है देखिए टाबो ब्रिज, आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है टाबो ब्रिज। ओके, तो ये टाबो ब्रिज है और ये देखिए इस साइड, ये इस पहाड़ पे देखिए पूरा आइस है, ये आइस बर्फ है पूरा। ये हम ब्रिज क्रॉस कर चुके एंड एक नंबर एंड हम लोग काजा की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये पूरा बर्फ है, ये पूरा बर्फ है। कैमरे में तो हाँ सड़क और सामने पहाड़ों पे बर्फ। और अभी जो है वो कार चला रहे हैं, देखिए हमारे एबी साहब इज ड्राइविंग नाउ एंड ही इज ड्राइविंग इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। सो सी, आपको कवर कर लिया। गुड ना, गुड गुड गुड, क्या बात है यार, एक महीना तो नहीं जाए कम लेना।
गाजा की तरफ जाने में ये देखिए एकदम स्ट्रेट रोड, ये देखिए कंप्लीट स्ट्रेट रोड। और सामने बर्फ से ढका हुआ पहाड़। You're going? रेंज आ गया, साइंस सर का रेंज आ गया, साइंस सर का रेंज आ गया, साइंस सर ये आपका रेंज आ गया, मेरा रेंज नहीं है। काजा 20 किलोमीटर माने, दिस इज माने, माते 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 6 किलोमीटर आराम से। ओके होम स्टे इज देयर, होम स्टे इज देयर। नीचे कलकल बहती नदी और ऊपर ये सड़क, सूखा पहाड़, ऊपर बर्फ, क्या कॉम्बिनेशन है, व्हाट अ रेयर कॉम्बिनेशन। ड्राई माउंटेन्स, रिवर एंड स्नो, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हम जो चलने लगे ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर। मेरा गाना खराब कर दिया साईं जी कसम से। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, आहा मंजिल से बेहतर लगने लगे ये रास्ते। ओ मिलो चले भाई, जाएंगे जाएंगे, चलो जाएंगे, चलो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। टेकन विनीत सक्सेसफुल, हम लोग काजा पहुंच गए हैं और ये काजा का गेट है। चलो 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 चलो, कैन टेक ओ ओ ओ जा टेक एन पिक्चर एज वेल एज वीडियो। काजा वैली में स्वागत है। पहले पेट्रोल टॉप अप कराना है हम लोगों को और उसके बाद जाएंगे कहाँ, लांगजा, लांगजा। तो चलिए आप भी हमारे साथ